हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जी हाँ, आज है जन्माष्टमी। आज पता नहीं क्यों एकदम एक्साइटमेंट से आ रही है, मतलब मजा आ रहा है आज तो। तो आज मैं मॉर्निंग से तो ब्लॉग नहीं बना पाया, अभी तो 6 बजने वाले हैं, 5 बज गए। अभी मैं स्कॉन जा रहा हूँ। मैं मॉर्निंग से इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि रात में ना मैं बहुत काम कर रहा था अपना, तो टाइम ही नहीं मिला सोने का। तो मैं सुबह जल्दी पूजा करी मैंने, और जो भी काम था प्रसाद वसाद खा के मैं सो गया। उसके बाद मैं उठा 12-1 बजे। गलत बात है, तो आज जल्दी उठ के और जल्दी माला करनी चाहिए। वैसे तो मैंने थोड़ी सी माला कर ली थी, बट और माला करनी चाहिए थी आज, बट कोई नहीं, बाकी माला अब देखते हैं, कंप्लीट तो कर लूंगा मैं, और ज्यादा ही करनी थी वैसे तो आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के घर, मतलब जो मेरे साथ अभी स्कॉन जाएंगे उनके साथ जाएंगे। पहले उनके घर जाऊंगा, उसके बाद वहां से स्कॉन निकलेंगे हम। तो आफ्टर ऑल अब हम जा रहे हैं स्कॉन में, तो वहां से बना दिया। पर हिंदी तो जानता ही हूँ मैं। हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, हम इसी इसमें किसके अधिकार है, प्रॉफिट गिनने का अधिकार लेते हैं। इसे प्रॉफिट और लाभांश लेने आता, कुछ लेने नहीं आता, हमें लाभांश दे दो। तो हम बस कौन पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ सब स्कॉन टेम्पल में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए सब रेडी हो गए लगभग लगभग सब। परिश्रम के बाद आखिरकार हमें बैच मिल गया और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। वो उनके यस ब्रो, बस लगा लिया, लगा लो बस, लगा लो। वीआईपी नहीं अभी है ना, लगा लो बस, नहीं है लो। बनानी पड़ती है प्रभु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रभु जी आइए। कितनी सिक्योरिटी है। तो आप करा दें है ना। सो आफ्टर ऑल हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल के अंदर। आखिरकार पहुंच गए स्कॉन में। हम पहले जाएंगे दर्शन करने, उसके बाद हम नामहट्टा हॉल जाएंगे, वहां पर हम 32 माला करेंगे, मतलब जितनी ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम कृष्णा भक्त पढ़ेंगे, उसके बाद देखते क्या करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आज। यहीं से एंट्री। चलिए चलिए, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। मैं वीडियो भेज दूंगा, चिंता मत करो। Thank you.
तो ये हैं मोहन रूप प्रभु जी, जिनका स्वागत हो रहा है यहाँ पे, जिस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं और लिटरली सच बताऊँ तो आज दर्शन बहुत ही सुंदर थे अकॉर्डिंग टू अदर डेज एज कम्पेयर टू अदर डेज। ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, थोड़े हमें इंग्लिश में ठीक करते रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अब नामहट्टा हॉल में अपनी आगे की एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये हमारे आर्यन प्रभु, व्लॉगिंग चल रही है। सो हम प्रसाद पाएंगे। अरे प्रभु जी मैं कर लूंगा, प्रभु जी कर लूंगा मैं। तो अभी प्रभु जी ने थोड़ा सा मेरे को डांट दिया व्लॉगिंग करने के लिए, बट मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं व्लॉगिंग के साथ सर्विस कर दूंगा। अरे वो बोले मैट नहीं चलेंगे, वो बाहर है ना, वो लंबे वाले, वो बोले हैं बाहर। सब ढंग से प्रसाद पा लीजिए, ठीक है तुरंत। आ सब बैठिए, सब आप देख सकते हैं गौरंग प्रभु कैसे सेवा में एकदम दृढ़ हो रखे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई हमारा प्रसाद अब हो चुका है और प्रसाद अब भी बहुत टेस्टी था। अब हमें माला करनी है। माला करने मतलब कम से कम 25 माला सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, उतनी माला करनी है सबको। 16 माला तो होती है सबकी जरूरी, पर आज 25 माला करनी है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा दो प्रभु से, तीनों प्रभु जी से, जो कल से गए नहीं यहाँ से। वो प्रभु जी तो कल से गए नहीं, वो कल से सेवा कर रहे हैं। 10 बजे आया सुबह सुबह, और ये प्रभु जी सुबह 10 बजे आए थे। अरे सेवा नहीं कर रहे, हम सेवा ले रहे हैं। कल से गए नहीं, डेरा डाल के यहीं बैठ गए। देख सकते हैं बाहर स्कॉन टेम्पल में आने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, बट फॉर्चुनेटली कृष्ण की कृपा से हम आ पाए। अभी ये भीड़ और बड़ी होगी। तो यहाँ हमें अभिषेक करने का मौका मिलेगा श्री श्री राधा कृष्ण को। आफ्टर ऑल हमने जन्माष्टमी अच्छे से मना ली इन एक्सपीरियंस लिया हमारा भी। हाँ, तो तुम कुछ बोलना चाहोगे? जी देखो, एक्सपीरियंस था। हाँ जी देखो, जन्माष्टमी तो बहुत अच्छी थी, अब भीड़ भी दबके थी,
लेकिन मेरा आपसे यही वार्न है, कोरोना को ध्यान में रखते हो, घर से बाहर निकलो मत, और निकलो तो मास्क पहन के निकलो सैनिटाइजर लेके। तो आपने जैसे देखा इन्होंने थोड़ी सी बोरिंग सी लेक्चर से स्पीच दी जिसे आप पसंद नहीं करेंगे। आज मैं नाइट स्टे करने वाला था बट मैं नहीं करा क्योंकि कोई रीजन आ गया, वरना भी मैं स्कॉन में ही होता नाइट स्टे करने दूसरे डिवोटीज के साथ। एक्सप्लेन नहीं कर सकता आज कितना मजा। हाँ लास्ट में तो करेगा। हाँ बोल भाई। देखो आई मैं पैसे से सीए हूँ, अगर आपको जीएसटी भरवानी है तो यहाँ आइए, कांटेक्ट मी नंबर। मैं इनका जो नंबर है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूंगा। तो गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। तो गाइस अभी रात के हो रहे हैं 12, तो मैंने ठाकुर जी के लिए मक्खन बनाया, तो मैं आपको ठाकुर जी दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने बनाया आज, मैंने कितना बढ़िया झूला बनाया ठाकुर जी के लिए घर में ही, हैंडमेड। जितनी भी राखियां थी ना सबका जुगाड़ करके बना लिया मैंने। थोड़ा सा मक्खन खिला था ठाकुर जी, खा लेना यार, खा लेना चलो। और लिटरली आज का दिन भी बहुत ज्यादा स्पेशल था मेरे लिए, और हमने तो बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया भगवान जी का अभिषेक करके और उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना मतलब आज मजा आया। और हमने माला की, प्रसाद भी आज बहुत बढ़िया था, मतलब जो आज प्रसाद था नॉर्मल प्रसाद नहीं था, जितना आज व्रत था जितने भी डिवोटीज थे सबने व्रत रखा था उसके हिसाब से व्रत का ही प्रसाद था, और मजा आ गया व्रत का। आज तो मैंने सुना कि मतलब बहुत ज्यादा पूरा गड़ी भर गया था वहां पर, अंदर आने के लिए लोग अंदर आना चाह रहे थे बट अब क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस पर से सबको अलाउ नहीं है ना, तो मतलब सब आ नहीं पाए अंदर। इस चीज का थोड़ा सा लगा मेरे को कि यार सबको चांस मिलना चाहिए, बट हमें मिला, हमने उसको अच्छे से निभाया। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आईपीओ मार्केट से रिलेटेड या फिर सेकेंडरी मार्केट जिसे हम शेयर मार्केट का भी दूसरा नाम के रूप से जानते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, वेदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9540404859। डू कांटेक्ट टू मी सो दैट आई कैन गाइड यू इन दिस फील्ड वेरी वेल। थैंक यू ऑल। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। सो अब मैं आपको मिलाऊंगा घर में। वन मोर थिंग, दिस सर्विस इज अवेलेबल 24/7, सो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम।